वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर मैच हो रहा है इजिप्ट प्रीमियर लीग का अल आली वर्सेस अल इतिहाद अल के बीच 9:30 बजे। बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ वडाफन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे एंड बात करें अगर हम इस मैच की तो अल आली एंड अल इतिहाद में यहाँ पर भाई इजिप्ट प्रीमियर लीग में लास्ट सीजन AHL टीम टॉप रैंक में थी। ये टीम Top 3 के अंदर पहले नंबर पर थी, मतलब पूरे के पूरे सीजन में ये जीती हुई टीम थी। इस साल अभी शुरुआत में इस वक्त ये टीम थोड़ा पीछे चल रही है एज़ कम्पेयर टू AII, लेकिन मुझे इतना पता है कि AHL रिकवरी करने में बादशाह है, वो किसी भी टीम को बीट कर सकती है। इवन वो किसी टीम को अपने से जीतने दे ही नहीं सकती, कभी कभार तो देखो हर टीम हारती है भले वो बड़ी से बड़ी टीम हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस मैच में खास तौर AHL टीम कुछ अलग लेवल का गेम प्ले देने वाली है। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज AHL के 3 गोल आएंगे, 2 या 3 तो कन्फर्म है भाई, इतनी बड़ी टीम है। तो आगे चलते हैं तो स्ट्राइकिंग की बात करूँ, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर देखिए पी ताओ करके कोई प्लेयर है जो कि अमेजिंग गेम प्ले दिया था इसने 1 मई को। लोग कह रहे कि हम लोगों ने इसको आपके कहने पर कैप्टन रखा, तो अच्छी बात है भाई, 62 पॉइंट देकर गया था। उल्टा आप ये लगा लो, मैंने इसको अपना वाइस कैप्टन रखा था, पी अबो अली को मैंने कैप्टन कर दिया था, तो इसमें तो आपका फ़ायदा हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि वासिम अबो अली ने कुछ नहीं किया था उस मैच में, लेकिन आपकी पिछले मैच में एक चेंज आपको जिता गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप हर मैच में चेंज करें, जब ज़रूरत हो तब मत करना, जब ज़रूरत हो तब करना, क्योंकि डब्ल्यू अबो अली और पी ताओ को लो, एम मॉडेस्ट जब खेलेगा तब खेलेगा, वो सब्स्टिट्यूट आ रहा है। आर स्लिम खेलेगा भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको मैं ट्राई नहीं करता, मुझे फ़र्क पड़ेगा सिर्फ मॉडेस्ट से, क्योंकि एक मॉडेस्ट और एक एम खाबरा, इन ये दोनों बहुत जानदार प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है, इनको मैं ज़रूर लूँगा अगर खेलेंगे। ऑपोजिशन टीम की बात करें, एम पिशांचिया को लेना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। अब आप बोलो कि तू जबरदस्ती ए मोहम्मद को ले, तो भाई ज़बरदस्ती तो मैं नहीं लूँगा अपनी टीम में, मेरे को पता है कि पिशांचिया थोड़े बहुत गोल कर सकता तो मैं ले रहा हूँ। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, आर बेनार्ड पुराना प्लेयर है, बेनार्ड बॉटिंग के बाद KL गंदौर, ठीक है। बाकी जो प्लेयर है, ओवल वहश हो गया, इदल मैसी हो गया, बाकी ये बहुत नॉर्मल प्लेयर है, मतलब इनमें से कई प्लेयरों को आप ये लगा लो मैं जानता भी नहीं हूँ। जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई ये कौन से प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद एश्योर की बात करें, एश्योर ने लास्ट मैच में किया गोल, ओवरऑल ये भी कईयों का कैप्टन था, जो लोग हारे भी थे वो इसलिए हारे थे क्योंकि एश्योर ऑपोजिशन टीम में कई लोगों का कप्तान था। अशोर का गोल रेशियो एज़ कम्पेयर टू बोथ स्ट्राइकर काफ़ी कम है, पता नहीं कैसे कर गया लास्ट मैच में गोल, कभी कभी तो होता है। एंड मैगदी की बात करें, मोहम्मद मैगदी को अगर खेलता देखा भी तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा जो एक प्लेयर लेने का तरीका है, देखो मैंने पिछले मैच में ना ही तौफीक को लिया, अब सब जानते भले ही तौफीक ने 42 पॉइंट्स बिना गोल करे दी हो, मैं विश्वास रखता हूँ क्लीन शीट पर। उसके बाद एम आत्या को भी मैं नहीं लूँगा, भले ही एम आत्या जो मर्जी खेला, अच्छा खेला, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, लेकिन HL शाहत लोग ले सकते हैं बिकॉज ही इज़ अ स्ट्राइक, दिखने में मिडफील्डिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप इन में से, मैं कहूंगा कि आप किसी को भी मत लो, क्यों परेशान कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि तौफीक कभी कभी चलता है, 10 मैच में किसी 2 मैच में गोल करता है। एम आत्या को तो मैं जानता ही नहीं हूं कि करता भी है क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं डिफेंडिंग में ओ कमल के बाद एम अब्दुल और एम हैनी, तो बहुत पुराना प्लेयर है। राबिया को वो लोग लेंगे जिन लोगों को 5 डिफेंडर राइटिंग खाने, क्योंकि मेलॉल को मेरे हिसाब से तो मेलॉल बनता है, बट कुछ भी ऊपर हेर फेर हो सकती है, हो सकता है सारे प्लेयर ना भी खेलें, हो सकता है जिन प्लेयरों को मैंने लिया है, हो सकता है आज के मैच में ओ कमल भी ना दिखाई दे जैसे लास्ट मैच में नहीं दिखा, फिर हो सकता है आपको राबिया ही लेना पड़े, तो ये अभी आप चेंजेस कर लेना। एंड बात करें गोल कीपिंग की, गोल कीपिंग में भाई मादी को लेंगे, मादी से गुड प्लेयर। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है यहाँ पर मेरा डब्ल्यू अबो अली, वाइस कैप्टन आप एश्योर या पी ताऊ में से किसी को रख लो, एश्योर सेफ है, ये मेरी सेफ टीम है और ये मेरी रिस्की टीम है। नाउ यू कैन डिसाइड कि आपने क्या करना है, बाकी मैं तो इस टीम के साथ जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।